Hello dear all, this is Meenakshi Narula and I welcome you all to my channel, Mentoring the Mentors. As we have been talking about different activities that we can conduct in our science classes to integrate different subjects and also to focus on arts integration. So in series of that, my lovely educators, let's today talk about sorting and grouping. Sorting different things is very important to group them Right. That is again a further process as per the different features we observe, right? As per the different qualities that we observe, and accordingly, we group the substances into different groups. So, for that, what all activities we can conduct in our classes, my dear educators, here you go sorting and grouping. For sorting and grouping, when I talk about get organized with 5S.

डिफरेंट सेक्शन है आपका साइंस का सेक्शन है सोशल स्टडीज का सेक्शन है उसके बाद में आपका क्या है क्लास वाइज अरेंज है या टॉपिक वाइज अरेंज है या साइज वाइज अरेंज है तो हम उसके कोई पर्टिकुलर क्वालिटी देखकर अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि हमें कैसे चाहिए हम उसको अरेंज करते हैं चाहे आप Uh, बच्चों को अगर कहीं लेके जाइए एक कैमिस्ट uh, शॉप पर कैसे वो दवाइयाँ ए टू जेड कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं अल्फाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर राइट सो माय डियर एजुकेटर्स घरों में जैसे हम सामान है घर के किचन में ले जाएं वहां पर कैसे अरेंज होता है दाले एक कॉर्नर में होती हैं स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स वन राइट तो फ्रिज में अलग अलग रैप्स रैक्स कैसे बने हो तो वहां से देखा कर बच्चों को ये समझा सकते हैं कि सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है सो so, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रियल लाइफ इंटीग्रेशन में बच्चे इसको अप्लाई करें रियल लाइफ में और अपने घर में चीजों को ऑर्गेनाइज कर रखें अपने खिलौने अपनी किताबें अपनी कॉपियां अपने पेन अपने, अपने, अपने कपड़े हर एक चीज को अच्छे से सॉर्ट और ग्रुप करके उसको रखा जाए दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस सब्जेक्ट

necessary items from the unnecessary one and removing the द from the work area. Like मैं अगर यहाँ से अपने सफाई करना चाहूँ जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं कि क्या क्या मेरे पास सामान पड़ा है क्या मुझे चाहिए क्या मुझे नहीं चाहिए पहले हमने क्या किया sorting ये मुझे required है ये मुझे सामान चाहिए ये चीजें मेरे काम की हैं ये papers मेरे काम के हैं स्टेशनरी मेरे काम की है ये क्लोथ मेरे काम के हैं है, है, और बाकी जो चीजें हैं मैंने उन सबको हटा दिया है मैं जिसमें एक एक कैटेगरी पर वर्क करूंगी अगर मैं बुक्स पर वर्क कर रही हूँ तो मैं बुक्स को सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि मुझे कौन सी बुक्स चाहिए मैंने वो बुक्स रख ली जो नहीं चाहिए उनको मैंने हटा दिया अब मैंने सॉर्ट कर लिया नाउ मेरे पास ये logical, जो मुझे अरेंज करके रखू चाहे वो अल्फाबेटिकली अगर मैंने बुक्स रखी है चाहे वो सब्जेक्ट वाइज रखी है चाहे वो मैंने uh, रखी है। अपने अकॉर्डिंगली जिस तरीके से मुझे कन्वीनियंस है वॉट इज माई रिक्वायरमेंट ताकि जब मुझे चाहिए वो जल्दी से मिल जाए राइट right? सो लाइक दैट नाउ शाइन इन वो क्लीनिंग एंड में वर्क एरिया गुड कंडीशन तो चीजों को साफ सुथरा करके रखेंगे गुड कंडीशन में रखेंगे मेंटेन करके रखेंगे एंड स्टैंडर्डाइज इन वोल्स क्रिएटिंग अस्टम फॉर मेंटेनिंग द फर्स्ट थ्री एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि वो पहले जो तीन है पहले तीन कौन से थे पहले हमने सॉर्ट किया था फिर उसको हमने सेट किया है फिर उसको हमने शाइन किया है तो हमने ये प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि किसकी ड्यूटी है इसको इसको सॉर्ट करने की फिर उसके कितने टाइम बाद इसको करना होगा हर पंद्रह दिन बाद करना है हर महीने बाद करना है दिवाली दिवाली पे करना है कि आपको सॉर्टिंग करनी है आपको अरेंज करना है आपको शाइन करना है आपने वो प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसको किया जाएगा किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कब कब इसको किया जाएगा कौन किसको इसको रिपोर्ट करना है एंड फाइनली सस्टेन इन वॉल्स क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड में फाइव एस सिस्टम फाइनली क्या है सस्टेन जो आपने ये बनाया है उसको सस्टेन रखें का जो सिस्टम बनाया है ओवर अ लॉन्ग टर्म सो बाय इंप्लीमेंटिंग फाइव एस मेथोडोलॉजी दैट इज ओरिजिनेटेड इन जापान वी कैन सिंप्लीफाई आवर लाइफ रिड्यूस द एंड वर्क मोर एफिशियंटली द प्रिंसिपल ऑफ फाइव एस कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू अवर पर्सनल लाइफ

फिल्ड विदराइटी ऑफ मटीरियल्स लाइक बीन्स हैं, राइस हैं, सैंड है बटन है, है, है कोई भी आपने डाली हैं एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू सॉर्ट दियल साइज शेप एंड टेक्सचर अलग अलग चीजों को आपने इकट्ठा करके एक बास्केट दे दिया you आप इनको सॉर्ट करेंगे चाहे आप साइज के अकॉर्डिंगली उनको बोलिए कलर के अकॉर्डिंगली बोलिए अलग अलग बटन ले सकते हैं लाइक like, मतलब अलग अलग चीजों को आपने मिक्स कर दिया है तो उनको वो सेपरेट करेंगे एज पर The different qualities, different features that they observe.

टेबल टॉप के ऊपर जो सामान पड़ा है उसको सॉर्टिंग करके अरेंज करके आप सब पिक्चर्स या वीडियो शेयर करेंगे नाउ मिस्ट्री बैग सॉर्टिंग फिल द बैग विद ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड चैलेंज योर स्टूडेंट्स टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड दिस एक्टिविटी कैन मेड मोर चैलेंजिंग बाय इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स

आप उसमें कुछ इस तरीके से सपोज आपने बटन भी दो तीन वैरायटी के रखे हैं अलग अलग साइज के हैं अलग अलग कलर के हैं फिर उसमें बीन्स भी हैं फिर उसमें कोई और पल्सिस या सीरियल भी हैं तो बच्चों ने उसको अलग कर लिया उसके बाद बटन तो कर लिया आप बटन की सब कैटेगरीज वो बनाएंगे साइज के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं कलर के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं सेम कलर का है तो सेम कलर के आगे साइज की कैटेगरी है तो लेट दैम आई मीन मेक देर ओन कैटेगरीज तो उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनके डेवलप कीजिए एंड लेट देम कम अप डिफरेंट आइडियाज़ उसको कैसे सॉर्ट जाया करिए डिफरेंट एक्टिविटीज में दैट क्रिएट्स इन द क्लास बच्चे दे जस्ट लुक फॉरवर्ड टू सच कर सकते हैं अ वैरायटी ऑफ रीसाइक्लेबल मटेरियल्स प्लास्टिक है मेटल है और अदर चीजें हैं You may challenge your student to sort the material into groups based on the properties, so it's the weight, on the size, on the color. Accordingly, they can sort it out.

बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया तो आप दो चैप्टर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर सॉर्टिंग भी उसकी करा रहे हैं उसका ग्रुपिंग करा रहे हैं हमने एक्टिविटी करा दी तो आपका क्या है फूड और ये दो चैप्टर जो है कनेक्टिविटी में आगे आगे बढ़ रहे हैं टॉयज की शॉर्टिंग छोटे बच्चे उनको हैं उनको आप बताइए यूज अ वराइटी ऑफ टॉयज लाइक ब्लॉक्स एंड बॉल्स हैं स्टफ्ड एनिमल्स हैं कि किस तरीके से उनको साइज शेप या कलर के अकॉर्डिंगली करना है ये आपके मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी है तो आप उनके अकॉर्डिंगली उनके अपने जो टॉयज हैं बोर्ड गेम्स हैं उनको कैसे शॉर्ट करके रखते हैं बुक्स को कैसे रखते हैं इन्साइक्लोपीडियाज हैं वो जो जो चीजें रेफर करते हैं तो उन चीजों को कैसे वो सॉर्टिंग उसकी कर सकते हैं राइट right? अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वो डिफरेंट चीजें रखे हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज या सॉर्ट करेंगे तो वहीं से ही हम उनको सिखाएंगे इंटीग्रेटिंग द सेम विद द रियल लाइफ तो हाउस होल्ड में सॉर्टिंग कर सकते हैं घर के जो आपके सामान है यूटेंसिल्स कप्स प्लेट्स उनको कैसे हम बड़े अच्छे तरीके से सजा सजा के अलग अलग शेल्फ में रखते हैं राइट कोई ड्रॉर में पड़ा है कोई शेल्फ में पड़ा है प्लेट कहाँ पड़ी है कप कहाँ पड़ा है साइज शेप उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली उन चीजों को सॉर्ट किया जाता है और उसके बाद भी अगर आपके पास कप्स भी हैं डेली रूटीन के कप अलग हैं कभी कभी यूज करने वाले मेहमानों के कप या सामान जो क्रॉकरी आप आपका जो सेट है वो अलग रखा होता है तो किस तरीके से सॉर्टिंग की जाती है आप बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको बोल सकते हैं कि क्लास में शेयर करें आपसे क्लोथिंग का सॉर्टिंग कर सकते हैं अपनी वॉर्डरूम्स पे अपने जो यूज करते हैं आपकी जो सॉक्स हैं शर्ट्स है, हैं पैंट्स हैं आप कैसे सॉर्टिंग करके रखते हो आपका हैंड कचीफ है कहाँ रखा जाता है उसको अलग अलग ड्रॉर में रखते हैं कंपार्टमेंट में रखते हैं उस तरीके से आप Sorting की एक्टिविटी करा सकते हैं शेप सॉर्टिंग करा सकते हैं variety of objects like different, different shapes आपके अगर हैं अब आपको के पर चीजों को राइट सर्कुलर है राउंड right? uh, है स्क्वायर है कोनिकल है सिलेंड्रिकल है, है जो आपको चीजें मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉर्टिंग करिए तो एटलीस्ट बच्चों को पता चलेगा कि हम एक ही uh, जो है बेसिस पर चीजों को सॉर्टिंग नहीं करते देर कैन बी बेसिस कैन बी डिफरेंट ट के अकॉर्डिंगली डाइट के अकॉर्डिंगली उनकी फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंगली उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली राइट right? उनकी कोई और पर्टिकुलर क्वालिटीज कैक्टिस्टिक्स आपको नजर आ रही है उसके बेसिस पर उनकी शॉर्टिंग करेंगे तो एनिमल्स ऑब्वियसली रियल तो नहीं अवेलेबल होंगे पिक्चर्स यूज कर सकते हैं आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं राइट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप इसको एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं क्लासिफिकेशन चैलेंज कर सकते हैं चैलेंज योर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज की पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो उनको देखें कौन इसको पहले करता है कौन सा ग्रुप आप इसको जैम एक्टिविटी कर सकते हैं आई एम गिविंग यू वन मिनट एक मिनट के अंदर इसको आपको सॉर्टिंग करके इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है राइट right? तो दैट विल बी वेरी गुड एक्टिविटी और आपके बच्चों को जो है वो जल्दी जल्दी कि किस तरीके से करना है

उनको आप अलग अलग ग्रुप्स बना लेंगे उनके फाइल्स बना लेंगे उनके फोल्डर्स बना लेंगे किस तरीके से वो सॉर्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में डिफरेंट डेटा है उसको आप कैसे सॉर्ट कर रहे हो तो दैट एक्टिविटी कैन बी प्लान, रियल वर्ल्ड सॉर्टिंग में कर सकते हैं चैलेंज य स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एक्साम्पल्स ऑफ सॉर्टिंग इन द रियल वर्ल्ड की रियल वर्ल्ड में चीजों को कैसे सॉर्ट किया जाता है अपनी क्लोज को देखिए अपने किचन को देखिए अपने घर के और सामान को देखिए किस तरीके से सॉर्टिंग की जा रही है तो बेस्ड ऑन दैट द सेम कैन बी डन सॉर्टिंग रेसेस स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके कर सकते हैं क्रिएट अ अम्पिटेटिव एटमोस्फेयर बाय चैलेंजिंग योर स्टूडेंट टू रेस टू सॉर्ट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी द एक्टिविटी कैन बी मेड चैलेंजिंग बाय इंक्लूडिंग मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज लाइक वेट है डेंसिटी है क्योंकि बड़े बच्चे हैं राइट सिक्स टू एट जैसे जाएंगे आप वेट को डेंसिटी के फैक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी एक रेस है और जैसे ऑब्स्टेकल रेस हम क्लिक करते हैं या रिले रेस के फॉर्म में भी कर सकते हैं कि यू कंप्लीट वन टास्क एंड देन अदर पर्सन विल कंटिन्यू तो रिले रेस में भी कर सकते हैं और आपका क्या स्पोर्ट्स वाले टीचर से आप अगर बात करेंगे कि मैंने सॉर्टिंग की कोई एक्टिविटी करवानी है हर बार ये तो नहीं कि भाग के आपको वो फ्रूट या कुछ खाने वाली ही रिले uh, रेस या एक्टिविटी करनी है बट यू कैन गो विद सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आल्सो दैट कैन बी अ रियल फन नॉट डेटा स्टूडेंट्स टू अ सेट ऑफ डेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग आउट कंट्रीज बेस्ड ऑन दी टीपी और जो भी यानी क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं पॉपुलेशन है पोल्यूशन uh, है, है कोई भी क्राइटीरिया देके बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे ग्रुप को इस पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंगली आप इनको शॉर्टिंग करेंगे तो दैट कैन ऑल्सो भी डन नेचर वॉक मैंने आपको बताया कि वॉक पर बच्चों को ले जाइए अपने स्कूल के आसपास अगर कोई ऐसा प्लेस है उसके ऊपर देखें उनको जो जो चीजें मिल रही हैं देखें लेबल किस कैटेगरी में फॉल करता है ये नेचुरल है ये मैन मेड है राइट right? ये पेरिशेबल है आई I मीन mean, जो जो भी उनकी वो प्रॉपर्टीज या फीचर्स वो देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली कैन गो दैट

किस ईयर में किस पीरियड में ये चीज बनी थी राइट उसके अकॉर्डिंगली उन पिक्चर्स को वो सॉर्ट कर सकते हैं राइट और बी उनकी सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली कैसे वो बनाई गई है क्रॉस करिकुलर सॉर्टिंग कैसे करेंगे इंटीग्रेट सॉर्टिंग इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट सच इज मैथ साइंस सोशल स्टडीज फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव द स्टूडेंट मैथ्स प्रॉब्लम इन टू ग्रो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल मे बी अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें कौन सा यूज होगा एडिशन है सब्रैक्शन है मल्टीप्लीकेशन है डिविजन है hmm. तो, तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली वो उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं राइट right? तो आप देखिए चलिए राइट टाइम शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग अ टास्क टू डू अर्गेनाइज नथिंग न्यू फ्रॉम शेप्स टू कलर एंड साइज टू शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग स्किल टू परस्यू अलोल्ड शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग अ स्टोरी टू अनफोल्ड For from cards to dolls and the blocks to books, sorting and grouping a task that looks a closet of clothes, a jumble of mess, sorting and grouping a way to address from pants to shirts and dresses to shoes, sorting and grouping a task to amuse. So let's embrace the art of sorting and grouping a way to organize, nothing to be stooping from home to school and beyond, sorting and grouping a skill to bond. This is the skill that we need to develop in our children. Let them know.

कैसे उनको जो है वो सेट करना है एंड देन शाइन है देन स्टैंडर्डाइज है एंड फाइनली सस्टेन है ये पांच जो आप हैं आपके जो स्टेप्स हैं आप क्लासरूम में कॉरिडोर में हर जगह डिस्प्ले भी कर सकते हैं जैपनीज टेक्नोलॉजी है जैपनीज मेथोडोलॉजी है दैट हैज बीन एडॉप्टेड एंडेड एंड वी वॉन्ट टू यूज द सेम इन द रियल लाइफ ऐसे आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं और क्या करना है आपको साथ में Just subscribe to my channel, like the videos, do share the same in your community, in your circle, with the other teachers also, so that they can also take benefit from it and they can also make their classes engaging, and enriching, and exciting. Don't forget to ping your valuable comments, your suggestions, uh, your thank you, whatever it is, in the comment section below. Thank you. Have a nice day.